English chapter 2, and I think it's part 5. That from here we will start Batala. So Batala's trickery was to achieve what force of arm could not obtain. Soon after, the second invasion was repulsed. When the whole city was illuminated and the people were taking part in the general rejoicing, the Rani distributed reward to all those who had distinguished themselves in the campaign. तो क्या हुआ कि जीतने के बाद वापस से शहर में खुशी का माहौल हो गया, सब लोग वापस खुशी से रहने लगे. और क्या हुआ कि एक दिन रानी ने दीवाने आम में, दीवाने आम जिसे कहते हैं जनरल रिजॉइसिंग, ये जनरल रिजॉइसिंग लिखा है, इसको दीवाने आम कहते हैं, द रानी डिस्ट्रीब्यूटेड रिवॉर्ड्स, और उन्होंने सबके सामने, पूरी प्रजा के सामने रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करे उनको जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी इस लड़ाई में. ठीक है, शी मेड हर सन प्रिंस वीर नारायण कैप्टन जनरल ऑफ द फोर्स, और उन्होंने अपने लड़के राजकुमार वीर नारायण को कैप्टन जनरल बनाया फोर्स का. जिस दिस मेड सम ऑफ द एल्डरी कमांडर जेलस ऑफ द प्रिंस एंड दे अक्यूज द क्वीन ऑफ पार्शियलिटी. तो क्या हुआ कि ये इसकी वजह से बाकी लोग, जो कुछ लोग थे वो, जैसे कि जो बड़े कमांडर्स थे जो इनके लड़के से बड़े थे और इनके लड़के पहले से काम कर रहे थे रानी के साथ, तो वो सब जल गए. और उन्होंने रानी को एक्यूज़ किया, यानी कि रानी से कहा कि ये सही नहीं है, पार्शियलिटी के लिए एक्यूज़ किया कि आप भेदभाव कर रही हैं. सेल्फिशनेस एंड एनवी ओवरकेम देयर सेंस ऑफ ऑनर एंड पैट्रियाटिज़म, तो उनकी पैट्रियाटिज़म यानी कि उनके देशभक्ति के आगे मतलबीपन उनके ऊपर हावी हो गया. एंड दे सीक्रेटली ओपन नेगोशिएशन विद द मुगल्स, और उन्होंने मुगल्स के साथ बातचीत, मुगल्स के साथ मिलकर जा कर के. आसफ़ खान वॉज डिलाइटेड विद दिस टर्न इवेंट्स हैड टेकन, आसफ़ खान बहुत खुश हुआ ये सब देख करके. ही प्रॉम्प्टली साइज द अपॉर्चुनिटी, सीज द अपॉर्चुनिटी एंड हैस्टेंड टू द सीन ऑफ हिज फॉर्मर डिफीट्स. तो उसने समझा कि उसको उसको जान गया कि ये मौका है, और उसने वापस से अपनी दो हार का बदला लेने की प्लान बना लिया. ठीक है, दिस टाइम अ ब्रीच वॉज मेड इन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट एंड द मुगल फोर्सेज एंटर्ड द सिटी एज द सेंट्रीज साउंडेड द अलार्म. द क्वीन पुट ऑन हर आर्मर एंड डिवाइडेड आर्मी इनटू टू पार्ट्स. तो क्या हुआ कि इस बार दीवार के बीच से ब्रीच बना दिया गया फोर्ट की दीवार के बीच से, और मुगल फोर्सेज शहर के अंदर आ गई. तो जैसे ही पता चला रानी को, रानी ने दो सेनाएं बांट दी. ठीक है, एक जो वो खुद कमांड कर रही थी, वन कमांडेड बाय हरसेल्फ एंड द अदर बाय हर सन, और दूसरी जो उनका लड़का कमांड कर रहा था. द फाइटिंग वॉज टेरिबल, लड़ाई बहुत खतरनाक हुई. बट एज द राजपूत सैड बीन टेकन ऑफ देयर गार्ड्स दे वर आउट नंबर्ड एंड एट अ ग्रेट एडवांटेज. तो जैसे कि उन्होंने अपने गार्ड निकाल दिए थे तो वो उस वजह से आउट नंबर्ड हो गए, यानी कि उस वजह से हारने लगे. ठीक है, डेस्परेटली एज दे फॉट द रैंक्स ग्रू थ्रू एंड थिनर. तो जैसे ही वो लड़े, जितना ज़्यादा वो लड़ रहे थे उतनी ज़्यादा उनकी हार हो रही थी. दो मैनी ऑफ हर फेथफुल फॉलोअर्स ट्राइड टू कन्विंस द रानी टू फ्रूटिफाई ऑफ कंटिन्यूइंग द बैटल अगेंस्ट सच ऑड्स. तो जो रानी के वफादार थे उन्होंने रानी को समझाने की कोशिश करी कि अब लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. शी रिफ्यूज टू सबमिट, लेकिन उन्होंने हार मानना मना कर दिया. शी फॉट लाइक अ टाइगरेस हर सोल लेइंग आ, वो चीता की तरह लड़ी, और उनकी जो तलवार थी सर्कल ऑफ कॉर्प्स ऑल हर फीट टिल सडनली, वो सबको मार रही थी तब तक जब तक द प्रिंसेस रिसीव्ड अ मोर्टल वाउंड, जब तक कि प्रिंस को एक ऐसा घाव नीला हो गया जिससे कि वो ख़त्म हो गया. फ्रेंटिक विद रेज एंड सॉरो रानी दुर्गावती रश्ड हेड अलॉन्ग इन टू द मिडस्ट ऑफ एनिमी, और दुख के कारण वो दौड़ती हुई पहुँच गई एनिमी यानी कि दुश्मनों के बीच में. स्ट्राइकिंग डाउन ऑल हु स्टूड बिफोर हर, और उन सबको मारते हुए जो उनके सामने खड़े थे. बट इवन एज शी ड्रोव देम बैक एन एरो पियर्स्ड देन आई, और जैसे ही वो पीछे को मुड़ी एक एरो, एक तीर उनकी आँख में जा करके घुस गया. एंड व्हाइल शी वॉज अटेम्प्टिंग टू प्लग द शाफ्ट अभी, और जब वो ट्राई कर रही थी कि वो तीर उनकी आँख से निकले, अ मुगल सोल्जर रीप हिज स्पीयर राइट थ्रू हिज हार्ट, और तभी एक मुगल सोल्जर ने अपनी तलवार सीधा उनके दिल के आर पार कर दी. दस डाइड रानी दुर्गावती द हीरो क्वीन ऑफ गोंडवाना, और इस तरह रानी दुर्गावती एक की मौत हुई. ठीक है, हीरोइक क्वीन गोंडवाना की क्वीन की.
फेलिंग इन द अटेम्प्ट टू सेव द ऑनर ऑफ अ राजपूत, अपने अटेम्प्ट में फेल होते हुए राजपूत के ऑनर को सेव करते हुए एंड टू प्रिजर्व इन द इंडिपेंडेंस ऑफ हर किंगडम, और अपनी किंगडम को बचाते हुए। सो दिस इज ओनली फॉर टुडे एक्सरसाइज, यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज टुमारो।